जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल रूफ टॉप गोट फार्म पर। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि मॉडर्न गोट फार्मिंग की सही, सटीक और साइंटिफिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। वीडियो में बकरी पालन में उपयोग होने वाली मुख्य दवाएं और टॉनिक को विस्तार में जानेंगे। बकरी पालन में सफलता पाने के लिए इन दवाओं का फार्म पे होना बहुत ही आवश्यक है। बीमारी की सही पहचान और प्राथमिक उपचार हमें बड़े घाटे और नुकसान से बचा सकता है। प्राथमिक उपचारों के बारे में अगर हम जान लें तो बीमारी को विकराल रूप लेने से बचा सकते हैं, इससे हमारा पैसा और वक्त दोनों बचेगा। बकरी पालन की फ्री और साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में 3 टिप्स ऐसे देंगे जिनसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। वेटनरी मेडिसिन के 2 पार्ट्स, एक थेरेप्टिक ड्रग्स, एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। बकरी पालन में अधिकतर बीमारियां पेट के जीवाणुओं की वजह से होती हैं। हम अपने फार्म पे एल्बोमार और नीलजान का उपयोग करते हैं। हर 3 महीने पे अलग अलग सॉल्ट से डिवॉर्मिंग करते हैं। NSAIDs, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। पशुओं में बुखार या शरीर के किसी हिस्से में सूजन या दर्द के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मच्छर को मेजर करने के बाद आवश्यकता अनुसार इन 3 में से किसी एक का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने या उनकी ग्रोथ को रोकने के काम आता है। कई बार बुखार का कारण कोई इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस संबंधित बीमारी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और बच्चेदानी के इन्फेक्शन के साथ साथ कई प्रकार के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक्स के भी कई क्लास और कई जनरेशन है। हम बीमारी और कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसमें से कोई एक लगाते हैं। बीमारी में सुधार होता है तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो किसी और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। निया और CCPP में एनरोफ्लॉक्सासीन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। टासेफ, टाजो और मोनोसेफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जिनका पशुओं में ज़्यादातर बीमारियों में उपयोग होता है। प्री डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट में लोअर लेवल एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा हमें हायर लेवल की तरफ जाना पड़ेगा। हर पशु को जल्दी रिकवरी दिलाने और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम मल्टीवाइटामिन का इंजेक्शन देते हैं। एक्टिवेट एक अच्छा मल्टीवाइटामिन इंजेक्शन है। कॉन्सिप्लेक्स एक बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है जो बीमार पशुओं में भूख को बढ़ाता है। एलर्जिक रिएक्शन से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक के साथ साथ CPM का भी उपयोग करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम लाइफ सेविंग ड्रग भी कहते हैं, जिनका फास्ट रिजल्ट लेने के लिए या पशु अगर लास्ट स्टेज में हो तो इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एक्सा को हमें बड़ी सावधानी के साथ उपयोग में लेना चाहिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन दवाओं को डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें। पशुओं के घाव में अगर कीड़े हो जाएं तो हम तारपिन के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तारपिन ऑयल से घाव के कीड़े मर जाते हैं। नेगाशेंट पाउडर घाव को सुखाने के काम आता है। क्योर स्प्रे घाव के ऊपर मक्खियों को बैठने नहीं देता और घाव को जल्दी सुखा देता है। पशु का शरीर कहीं भी कटपिट जाए तो हम बीटाडीन लोशन का इस्तेमाल करते हैं। बकरी की डिलीवरी के बाद उसका जेर गिराने के लिए, उसका दूध बढ़ाने के लिए और उसको दोबारा जल्दी हिट पे लाने के लिए हम यूट्री वाइव और एक्सापार सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ट्रस की पूरी सफाई और इन्फेक्शन से बचने के लिए हम यूट्री वाइव का इस्तेमाल करते हैं। रिस्प्रेक स्प्रे और मेस्टिलैब ट्यूब का उपयोग हम मेस्टाइटिस यानी थनेला रोग के उपचार के लिए करते हैं। पशुओं की भूख को बढ़ाने के लिए, उसके इंडाइजेशन प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए, पाचन क्रिया को सही रखने के लिए हम रूचा मैक्स या हिमालय बतीसा पाउडर देते हैं। टोसिल का उपयोग हम आफरा या पेट फूल जाने की स्थिति में करते हैं। एब्लॉन पाउडर का उपयोग पशु में अचानक खांसी आने की स्थिति में करते हैं। एब्लॉन पाउडर का प्रयोग हम दस्त के उपचार के लिए करते हैं। छोटे बच्चों में दस्त की समस्या को दूर करने के लिए नॉर मेट्रोजिल का इस्तेमाल करते हैं। दस्त की स्थिति में पशु को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम ORS का इस्तेमाल करते हैं। पशु को खेल कूद में किसी भी प्रकार की चोट जिस पे स्वेलिंग आ जाए उसके उपचार के लिए नूरामेंट ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके शरीर से जूं चीचड़ की समस्या को दूर करने के लिए जूटॉक्स सोप का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए पशु को नियमित अंतराल पे उसके खुर और उसके मुँह की सफाई पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की। वार्मिंग करने के 24 घंटे के बाद हम लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। इससे लिवर का रिपेयर होता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। कैल्शियम टॉनिक का उपयोग हम पशु के बोन्स को स्वस्थ बनाने के लिए, पशु की हाइट के लिए और फीमेल्स में दूध बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। टाल को ऑस्टोवेट में मिक्स करने से उसकी परफॉर्मेंस और बूस्ट हो जाती है, बच्चों का ग्रोथ और अच्छा होता है।
प्रेगनेंसी पीरियड में गोट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम शार्कोफेरॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चे का ग्रोथ पेट के अंदर बहुत अच्छा होता है। उसकी ओवरऑल हेल्थ, उसको जल्दी हीट पिलाने के लिए और अच्छे रिप्रोडक्शन के लिए हमें मिनरल मिक्सचर देना बहुत ही ज़रूरी। खुराक पाउडर में मिनरल मिक्सचर के साथ प्रीबायोटिक, बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन भी मिल जाता है। पशुओं को न्यूरल बीमारी से बचाने के लिए हम न्यूरोपॉइंट प्लस का इस्तेमाल करते हैं। स्टार के उपयोग से पशुओं की जल्दी ग्रोथ, पशुओं की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिससे वो बीमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि शरीर के जल्द विकास के लिए हम प्रोटीन सी का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं हमारा फार्म बीमारियों से बचा रहे, तो हमें 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। पहला, समय पर डिवॉर्मिंग, दूसरा पौष्टिक आहार और तीसरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई पॉइंट मिस हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर।